निमित्त से और विशेष रूप से जब गांधी जी की जयंती के 150वें साल 150वें साल में हमने प्रवेश किया है, इस समय पूरे भारत में बहुत बड़े पैमाने पर गांधी जी के विचारों को लेकर कार्य करने का निर्णय हुआ है। और मैं ऐसा मानता हूँ, गांधी जी ने न केवल सामान्य भारतीयों को भारत के आज़ादी की लड़ाई से जोड़ा, बल्कि गांधी जी ने एक ऐसा तत्व भारतीयों को दिया जो स्वयं शासन का था, जो तत्व था स्वच्छता का, जो तत्व था ग्राम विकास का। और ऐसे सारे तत्वों को लेकर अगर किसी सरकार ने काम किया है तो वो मोदी जी की सरकार ने काम किया है। जिस प्रकार से स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से गांधी जी को सही आदरांजलि देने का प्रयास हुआ है, और जिस भारत में शौचालय भी उपलब्ध नहीं थे वहाँ बड़े पैमाने पर आज शौचालय उपलब्ध हो रहे हैं। महाराष्ट्र जैसा राज्य जहाँ पर 1947 से लेकर तो 2014 तक हमने केवल 50 लाख शौचालय तैयार किए और 45% लोगों को केवल शौचालय थे, आज महाराष्ट्र में केवल 3 वर्षों में 60 लाख शौचालय हमने तैयार किए और 100% महाराष्ट्र को हमने ओपन डेफिकेशन फ्री किया, चाहे वो कचरा हो चाहे गंदगी हो। क्योंकि गांधी जी कहते थे कि जब तक गंदगी दूर नहीं होगी तब तक हमारे मन भी स्वच्छ नहीं हो सकते। तो मुझे ऐसा लगता है मोदी जी की सरकार सही मायने में गांधी जी के तत्वों पर चल रही है, और इसीलिए इन सारे कार्यक्रमों में स्वच्छता यही सेवा ये कार्यक्रम चल रहा है, पदयात्रा का कार्यक्रम चल रहा है। कुल मिलाकर 150-150 किलोमीटर की पदयात्राएं निकलने वाली है, अलग अलग फेजेस में निकलने वाली है, और मुझे लगता है कि गांधी जी के विचारों को हम लोगों तक फिर एक बार ले जा रहे हैं। आज महात्मा गांधींच्या 150व्या जयंती वर्षाची सुरुवात आपण करतो आहोत। महात्मा गांधी हे व्यक्ती नव्हते, ते विचार होते। भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये सामान्य माणसाला आणण्याचं काम हे महात्मा गांधींनी केलं, आणि त्यासोबत स्वच्छता असेल, ग्रामविकास असेल, या वेगवेगळ्या माध्यमातून नवीन भारताचं मॉडेल हे महात्मा गांधीजींनी त्या काळामध्ये आपल्याला दिलं। आणि म्हणून गांधीजींचे तत्व हे लोकांमध्ये रुजले पाहिजे, हाच प्रयत्न या 150व्या जयंतीच्या निमित्ताने चाललेला आहे। स्वच्छता ही सेवा हा कार्यक्रम चाललेला आहे, आणि खऱ्या अर्थानं गांधीजींच्या तत्वानं जर कोणी सरकार चालवलं असेल तर ते मोदीजींनी चालवलं। कारण देशामध्ये स्वच्छता अभियान हे ज्या प्रकारे राबवण्यात आलं, महाराष्ट्राचं उदाहरण द्यायचं झालं तर 1947 पासून 2014 पर्यंत महाराष्ट्रामध्ये आपण केवळ 50 लाख शौचालय बांधून 45% कव्हरेज करू शकलो होतो। केवळ 3 वर्षामध्ये आपण 60 लाख शौचालय बांधले आणि 100% महाराष्ट्राला आपण हगणदारी मुक्त या ठिकाणी केलेलं आहे, आणि आता त्याच्या पलीकडे आपण काम करतो। त्यामुळे गांधीजीच्या तत्वावर चालत हे सरकार या ठिकाणी काम करत आहे, आणि या 150व्या जयंतीच्या निमित्ताने ही पदयात्रा आमची सुरू आहे। 150 किलोमीटरची पदयात्रा एकेका शहरामध्ये एकेका गावामध्ये होणार आहे, वेगवेगळ्या फेजेसमध्ये होणार आहे, आणि त्यातनं गांधीजींची तत्व लोकांपर्यंत पोहोचली पाहिजे, जनजागृती झाली पाहिजे, आमचा प्रयत्न आहे।